सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन का 19.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 19.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 19.2। फर्स्ट सवाल है आपका इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, यही सवाल है। तो इस टाइप का सवाल बनाने का तरीका है रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस बी है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, आप परिमिकरण कर दीजिए। प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, परिमिकरण कीजिए रेशनलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। प्लस है तो माइनस से गुना कीजिए अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी बटा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, रेशनलाइज कर दिया। आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो एक्स प्लस ए माइनस बी स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हटता है तो माइनस एक्स माइनस बी डी एक्स हो गया, एक्स कट गया तो ए माइनस बी बाहर कर दीजिए, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा तो वन बटा ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। क्या किया रेशनलाइजेशन किया, परिमिकरण किया, अब अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो वन बटा हो जाएगा ए माइनस बी रूट एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टू बटा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, तो एक्स यहाँ पर क्या है एक्स प्लस है तो इसके पावर थ्री बाई टू, फिर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, तो एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू, लास्ट में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी जोड़ना है, यही आंसर हो गया। टू बाई थ्री आप कॉमन ले सकते हैं, टू बाई थ्री आप कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा टू बाई थ्री कॉमन ले लीजिए बराबर हो जाएगा टू बटा थ्री इंटू ए माइनस बी, यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस ए के पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, एक्स प्लस ए के पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स प्लस बी के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो क्या किया रेशनलाइजेशन किया, परिमिकरण किया। अब इसी धार पर आपका वन का टू वही है, टू का फर्स्ट वही है, सेकंड भी वही है, थर्ड का फर्स्ट बताते हैं, सब में रेशनलाइज करना। थर्ड का फर्स्ट है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स, डी एक्स बाई अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स, इसमें भी रेशनलाइज करना है, परिमिकरण कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन प्लस है तो माइनस से कर दीजिए तो अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स, अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स, नीचे हो जाएगा अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स प्लस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स, प्लस है तो माइनस से कर रहे हैं गुना ऊपर नीचे, प्लस फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट
फोर प्लस थ्री एक्स, रेशनलाइज कर रहा हूँ, यहाँ डी एक्स हो गया, कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स डी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस बी स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो फोर प्लस कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स डी एक्स, नीचे क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस कट जाएगा, पाँच फाइव में से फोर गया वन हो गया, अब अलग इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एक्स डी एक्स माइनस अंडर रूट फोर प्लस थ्री एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू और एक्स के कोएफिशिएंट से भाग लगता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टू बटा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, तो एक्स यहाँ पर क्या है एक्स के यहाँ पर है फाइव प्लस थ्री एक्स के पावर कितना थ्री बाई टू और एक्स के कोएफिशिएंट थ्री से भाग रहेगा माइनस, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू बटा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, तो फोर प्लस थ्री एक्स के पावर कितना थ्री बाई टू और एक्स के कोएफिशिएंट थ्री से भाग रहेगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी, यही आंसर हो गया। तो कितना होगा टू बाई नाइन, वहाँ भी टू बाई नाइन, तो टू बाई नाइन कॉमन ले लो और यहाँ हो जाएगा फाइव प्लस थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, यहाँ हो जाएगा फोर प्लस थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो इस आधार पर फर्स्ट का फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट का सेकंड वही है, हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिएगा, टू का फर्स्ट भी वही है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर दीजिए परिमेयकरण कर दीजिए, टू का सेकंड भी परिमेयकरण करना है, थ्री का फर्स्ट भी वही परिमेयकरण करना है, थ्री का सेकंड भी रेशनलाइज करना है और एक्स का कोएफिशिएंट जो माइनस टू है उसे डिवाइड कर दीजिएगा, फोर क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, फोर है अंडर रूट क्या है एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी डी एक्स, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है रूट एक्स का टू बाई थ्री एक्स के पावर कितना थ्री बाई टू और एक्स के कोएफिशिएंट से भाग लेगा और प्लस सी, आंसर हो गया। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू प्लस सी, सही है। फिर सिक्स है, सिक्स क्या है इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स है, तो रूट के अंदर क्या है एक्स माइनस थ्री है, तो रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री है तो यही एक्स माइनस थ्री यहाँ लिख दीजिए आप, रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री है तो आप एक्स माइनस थ्री यहाँ लिख दीजिए, रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री है तो एक्स माइनस थ्री लिख दिया और हमको लाना है एक्स प्लस टू लाना है, तो एक्स माइनस थ्री में कितना जोड़ेंगे कि एक्स प्लस टू बन जाएगा, तो फाइव जोड़ दीजिए, एक्स माइनस थ्री में फाइव जोड़ देंगे तो एक्स प्लस टू हो गया और इधर का हो गया अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब रूट एक्स माइनस थ्री से एक्स माइनस थ्री में गुना कर दीजिए तो यहाँ का हो जाएगा एक्स माइनस थ्री रूट अंडर एक्स माइनस थ्री डी एक्स और प्लस फाइव अंडर रूट कितना आ जाएगा एक्स माइनस थ्री डी एक्स, क्या किया रूट के अंदर एक्स माइनस थ्री था तो एक्स माइनस थ्री लिख दिया, लेकिन जबकि हमको लाना है एक्स प्लस टू तो माइनस थ्री में फाइव जोड़ देंगे तब ना टू आएगा तो एक्स प्लस टू बन गया। अब इससे दोनों में अलग अलग गुना कर दिया, अब यहाँ एक्स माइनस थ्री के पावर वन है और रूट एक्स माइनस थ्री का मतलब है एक्स माइनस थ्री के पावर वन बाई टू, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होता है गुना में, तो यहाँ वन पावर यहाँ वन बाई टू, तो वन और वन बाई टू कितना होगा ऐड होके एक्स माइनस थ्री के पावर कितना थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, यहाँ वन पावर यहाँ वन बाई टू पावर थ्री बाई टू हो गया प्लस फाइव अंडर रूट एक्स माइनस थ्री डी एक्स। अब हो गया, इसको तोड़ दीजिए, अब कितना आ जाएगा अब एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो एक्स के यहाँ पर एक्स माइनस थ्री है, एक्स के यहाँ पर लीनियर एक्सप्रेशन रह सकता है, एक्स के यहाँ पर आपका कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा एक्स का वन पावर वाला
टू एक्स प्लस थ्री, थ्री एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन आएगा तो एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर ही टूटेगा। तो एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री के पावर एन प्लस वन, तो थ्री बाई टू प्लस वन कितना आ जाएगा, फाइव बाई टू बटा फाइव बाई टू हो गया, प्लस फाइव गुने रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है टू बटा थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू। तो एक्स माइनस थ्री के पावर कितना, थ्री बाई टू प्लस सी, टू बाई थ्री एक्स के पावर थ्री बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा टू बटा फाइव एक्स माइनस थ्री के पावर कितना, फाइव बाई टू, पाँच दिनों दस बटा कितना थ्री, एक्स माइनस थ्री के पावर कितना, थ्री बाई टू प्लस, यही आंसर हो गया। अब इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम भी लेके बना सकते हैं। एलसीएम कितना हो गया, फिफ्टीन एलसीएम हो गया, फिफ्टीन एलसीएम, एलसीएम हो गया फिफ्टीन, यहाँ हो गया पाँच थे पंद्रह तीन, सिक्स हो जाएगा सिक्स इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर कितना, फाइव बाई टू, यहाँ तीन पचे पंद्रह पाँच, दस पचे पचास हो जाएगा ये फाइव, फिफ्टी इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर थ्री बाई टू प्लस सी। सो कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या हो जाएगा इसमें, टू इंटू टू इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर थ्री बाई टू कॉमन हो जाएगा टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थ्री इंटू फाइव बाई टू में से थ्री बाई टू जाएगा तो कितना एक हो जाएगा, तो थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ हो जाएगा पच्चीस प्लस सी। ये सब आप अपने से कर सकते हैं, एलसीएम ले रहा हूँ। तो टू अपॉन फिफ्टीन हो जाएगा एक्स माइनस थ्री के पावर कितना थ्री बाई टू, यहाँ कितना होगा थ्री एक्स माइनस नाइन और प्लस ट्वेंटी फाइव, तो सोलह में से नौ गया, पच्चीस में से नौ गया सोलह, यही आंसर हो गया आपका। टू बाई फिफ्टीन, टू बाई फिफ्टीन एक्स माइनस थ्री के पावर थ्री बाई टू, नाइन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस होगा ना, थ्री एक्स प्लस सिक्सटीन हो गया प्लस, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं किया आप, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया और कॉमन ले लिया, बस आंसर मिला दिया। सेवन देखिए, इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यही है बराबर क्या हो, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो यही नीचे वाला ऊपर लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और लाना है माइनस वन, तो माइनस टू कर दिए बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, डिवाइड कर दिया तो वन माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स माइनस टू बाहर, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टाइन वर्स एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। बटा में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वही ऊपर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, जबकि लाना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन में से टू घटाएंगे तब ना माइनस वन आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन दे देगा। अब इससे दोनों में अलग डिवाइड कर दिया, तो अब फिर अलग इंटीग्रेट कर दिया, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, डी एस का इंटीग्रेशन एक्स, टू कॉन्स्टेंट था बाहर हो गया, और वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टाइन प्लस एक्स प्लस सी, तो यही आंसर हो गया एक्स माइनस टू टाइन प्लस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। आपका एट है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू होता है, याद कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, और यहाँ कोस स्क्वायर एक्स होता है तो कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए वन माइनस कोस टू एक्स डी एक्स, तो वन बाई टू, वन वन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन कोस टू एक्स डी एक्स, वन डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, कोस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस सी, आंसर होगा।
क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स था तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, लिख दिया, टू कॉन्स्टेंट था बाहर कर दिया, वन माइनस कॉस टू एक्स दोनों को अलग इंटीग्रेट कर दिया तो वन डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, और इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशियंट से भाग लगता है तो एक्स का कोफिशियंट टू है, टू से भाग लगेगा। इसी तरह अगर ऐसे रहता है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स था, अगर यहाँ पर रहता कॉस स्क्वायर एक्स तब कैसे बनता, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखता, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू होता है, अब टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, यहाँ इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, तो वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स डी एक्स, तो वन बाई टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, अब कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, और एक्स का कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस, ये आपका आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है एट का सेकंड वही है, नाइन का फर्स्ट, एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा फोर, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा फोर। सेकेंड फॉर्मूला है कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स बटा फोर, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा फोर, कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला थ्री कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स बटा फोर। तो नाइन का फर्स्ट है इंटीग्रेशन साइन क्यू टू एक्स प्लस वन है, टू एक्स प्लस वन डी एक्स है, साइन क्यू टू एक्स प्लस वन डी एक्स, साइन क्यू टू एक्स प्लस वन डी एक्स, तो साइन क्यू एक्स हम बोले थे कि साइन क्यू एक्स है, तो एक्स के यहाँ पर कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रह सकता है, एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स माइनस सेवन कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा फोर, तो साइन क्यू टू एक्स प्लस वन का फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स है ना साइन क्यू एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है आप टू एक्स प्लस वन लिख दीजिए, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लिखिए, तो बोलिए साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है थ्री साइन एक्स, थ्री साइन एक्स तो एक्स यहाँ पर कौन है टू एक्स प्लस वन, थ्री साइन एक्स हो गया माइनस साइन थ्री एक्स, थ्री इंटू एक्स तो एक्स यहाँ पर क्या है टू एक्स प्लस वन बाई फोर हो गया, अब फोर से अलग डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर थ्री बाई फोर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर वन बाई फोर इंटीग्रेशन साइन थ्री से गुना कर दीजिए सिक्स एक्स प्लस थ्री डी एक्स हो गया, अब इंटीग्रेट कर दीजिए थ्री बाई फोर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस टू एक्स प्लस वन, और इंटीग्रेशन में एक्स का कोएफिशिएंट से भाग लगता है, अब यहाँ ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस सिक्स एक्स प्लस थ्री, और एक्स का कोएफिशिएंट से भाग लगेगा प्लस सी, यही आंसर हो गया, देख लीजिएगा आगे सॉल्व कर लीजिएगा, एक स्टेप के बाद आंसर आ गया। नाइन का सेकंड है इंटीग्रेशन है साइन क्यू एक्स गुने कॉस क्यू एस डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एस डी एक्स, तो इस टाइप का सवाल हम इलेवेंथ में बताते थे कि एट से ऊपर नीचे गुना करते थे, तो एट से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो एट इंटू साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, एट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एट से क्यों किया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वन बाई एट, और इसको आप मिला कैसे लिख दीजिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स पूरा का होल क्यूब डी एक्स, तो वन बाई एट और टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला आप जानते हैं साइन टू एक्स और साइन टू एक्स का होल क्यूब, तो साइन क्यू टू एक्स डी एक्स, अब बन जाएगा अब आ जाएगा, अब साइन क्यू एक्स, अब साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए साइन क्यू एक्स थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बटा फोर, तो जहाँ जहाँ एक्स है टू एक्स बैठा दीजिएगा, तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है थ्री साइन एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या लिख देंगे टू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स थ्री गुने एक्स, तो थ्री गुने टू एक्स अपॉन फोर, अब बना लीजिए बन देगा, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा आ जाएगा आंसर, अब इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए, आप लोग टेंथ क्लास पढ़े होंगे कि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन,
सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोट स्क्वायर एक्स बराबर होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो कहीं भी आपको टेन स्क्वायर एक्स दिखाई देगा तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दीजिएगा, कोट स्क्वायर एक्स दिखाई देगा इंटीग्रेशन में तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आपको लिखना है। और फिर आप जानते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स होता है। तो टेन का फर्स्ट है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन का फर्स्ट इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया, फिर अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स फिर वन डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी हो गया। अब इसी आधार पर ऐसा रहता कोट स्क्वायर एक्स रहता, कोई पूछता कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पहले कोट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स और वाला इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और वन डी एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और डी एक्स का एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। टेन का सेकंड क्या है टेन एक्स बटा कोट एक्स डी एक्स और वन बाई कोट एक्स, वन बाई कोट एक्स टेन एक्स होता है तो क्या हो गया आपका ये तो बन जाएगा इलेवन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है यही है इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स। अब वन से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन प्लस कितना कोट स्क्वायर एक्स, वन से दोनों में तो वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स फिर टेन स्क्वायर एक्स वन में गुना कर दीजिए तो टेन स्क्वायर एक्स और फिर टेन स्क्वायर एक्स गुना कोट स्क्वायर एक्स फॉर्मूला से वन वन से दोनों गुना कीजिए वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स वन गुना कीजिए टेन स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स वन हो गया वन प्लस वन टू यहाँ हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स बोले थे कि कोट स्क्वायर एक्स दिखाई देगा तो फॉर्मूला लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, टू से ही कट जाएगा माइनस वन ही माइनस वन तो कितना आ गया आपका तो बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी होगा यही होगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। टेन एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी यही आंसर होगा। इसको सेकंड मेथड से भी बना सकते हैं, सेकंड मेथड से बनाना तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स का मेथड टू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप वन बटा कोस स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं वन बटा साइन स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे दो से गुना कर दीजिए दो से
ऊपर नीचे गुना कर दीजिए आप, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 cos²x sin²x इतना आ गया, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ऊपर 4 से नीचे 4 से फॉर्मूला अपनाने के लिए, तो 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो कितना आ गया, 4 cos²x sin², इसको आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x पूरा के होल स्क्वायर। आंसर मिलाने के ऐसा करना जरूरी नहीं है। तो बराबर कितना होगा, 4 बार हो जाएगा, और 2 sin x into cos x फॉर्मूला sin 2x होता है, लेकिन इसका स्क्वायर लिखना है, तो sin²x 2x और 1 sin²x का फॉर्मूला क्या होता है, cos²x 2x dx और cos²x का इंटीग्रेशन -cot x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस c, तो कितना आंसर आ गया, -2 cot 2x + c आंसर हो गया, -2 cot 2x + c -2 cot 2x + c बहुत आसान है। sec²x = 1/cos²x, cosec²x = 1/sin²x, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिया, फिर 4 cos²x into sin²x को लिख दिया, 2 sin x into cos x का होल स्क्वायर, 2 sin x into cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, उसका स्क्वायर sin²2x ऊपर भेज दिया तो cosec²2x, और cosec²x का इंटीग्रेशन होता है -cot x और x का कोएफिशिएंट से भाग दे दिया। 12 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन tan²3x + cot²2x dx है, tan²3x + cot²2x dx है, बहुत आसान है। हम क्या बोले थे कि tan²x दिखाई देगा, लिख दीजिएगा फॉर्मूला, tan²x = फॉर्मूला होता है sec²x - 1, तो tan²3x है तो sec²3x - 1, tan²x का फॉर्मूला होता है sec²x - 1, तो sec²3x - 1 हो गई, और cot²x का फॉर्मूला होता है cosec²x - 1, तो ये आपका हो गया cosec²2x - 1 dx, तो कितना आ जाएगा आपका, sec²3x + cosec²2x - 1 - 2 dx हो गया। अब अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, अब sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो tan 3x, और x के कोएफिशिएंट 3 से भाग देंगे, cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है -cot x, तो -cot 2x, x के कोएफिशिएंट 2 से भाग देंगे, 2 का इंटीग्रेशन 2x + c, यही आपका आंसर हो गया। 12 का सेकंड बना लीजिएगा, 12 का सेकंड है a + b के होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दीजिएगा, क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab तोड़ेगा तो tan²x + cot²x + 2 आएगा, और फिर 12 का फर्स्ट जैसे बनाए tan²x यहाँ पर लिखे थे sec²x - 1 और cot²x यहाँ पर लिखे थे फॉर्मूला cosec²x - 1, उसी आधार पर बन जाएगा। 13 का फर्स्ट, 13 का पहला है इंटीग्रेशन sin²x / 1 + cos x dx, sin²x / 1 + cos x dx, इसी को इंटीग्रेट करना है, तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे sin²θ = 1 - cos²θ, तो sin²x का आप फॉर्मूला लिख दीजिए 1 - cos²x यहाँ dx, और 1 + कितना cos x, फिर आप पढ़े होंगे a² - b² तो 1 को लिख सकते हैं 1² तो a² - b² तो a² - b² फॉर्मूला होता है a - b, तो a - b इंटू a प्लस बी बटा 1 + यहाँ dx, ऐसे कट जाएगा। अब अलग इंटीग्रेट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x और cos x का इंटीग्रेशन sin x + c, ये आंसर हो गया। इसी का सेकंड है इंटीग्रेशन cos²x + 2 sin²x / cos²x dx, इसी को इंटीग्रेट करना है cos²x + 2 sin²x / cos²x, बहुत आसान है, आप इसका फॉर्मूला जानते होंगे cos²θ, तो cos²θ का फॉर्मूला होता है cos²θ - sin²θ, एक होता है 1 - 2 sin²θ, एक होता है 2 cos²θ - 1, एक और होता है 1 - tan²θ / 1 + tan²θ, तो यहाँ पर कौन यूज करेंगे, बगल में देख रहे हैं हम 2 sin²x, तो cos²x का फॉर्मूला हम लगा देंगे 2 sin²x के रूप में, तो cos²x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin²x, 1 - 2 sin²x, इधर क्या है +2 sin²x, यही फॉर्मूला क्यों लगाया, कैंसिल करने के लिए, बगल वाला कैंसिल हो जाएगा इसे,
आप फॉर्मूला पढ़ा होंगे टेंथ क्लास में, वन बटा कोस थीटा सेक थीटा होता है, तो वन बटा कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स, तो टैन एक्स प्लस सी आंसर हो गई। 14 है इंटीग्रेशन कोस क्यू एक्स डी एक्स, तो जस्ट पहले हम बताए थे कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला, कोस क्यू एक्स का लिख दीजिए फॉर्मूला, तो कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला होता है थ्री कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स बटा फोर। कोस क्यू एक्स, कोस क्यू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री कोस एक्स प्लस कोस थ्री एक्स बटा फोर। अब इसको ऐसा कर दीजिए, फोर से अलग डिवाइड कर दीजिए, तो थ्री बाई फोर यहाँ कोस एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा वन बाई फोर और कोस थ्री एक्स डी एक्स, बस हो गया। तो थ्री बाई फोर और कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स, और कोस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थ्री एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से भाग देंगे प्लस सी, ये होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और 15 से आपका 36 होमवर्क हुआ, आपका होमवर्क है 15 to 36।